जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, बहुत ही जबरदस्त डिबेट जो फकर यूसुफ जी और आरजू काजमी जी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है इमरान खान का, क्योंकि फकर यूसुफ जी ने सीधा सीधा कह दिया कि इमरान खान एक बहुत ही पनौती साबित हुआ है रसिया के लिए, क्योंकि जब से ये रसिया में गया है तब से ही हाथों हाथ बाई हैंड ही वहां पे सिर्फ और सिर्फ युद्ध स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा वर्ल्ड एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि वर्ल्ड वार 3 की सिचुएशन भी आ चुकी है। तो दोस्तों फकर यूसुफ जी और आरजू काजमी जी का ये बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण है, तो आप देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो वहां पे हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या है। हमें नहीं पता, जरूरी नहीं है कि इस वजह से, क्योंकि इससे पहले भी कहा यह जा रहा था, जो बाइडन साहब ने 2-3 दफा स्टेटमेंट दिया था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर विद इन ए वीक अटैक कर सकता है। तो अब इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब जिस दिन गए हैं तो उसी मतलब रात को उन्होंने कैफ, जो उसका कैपिटल है यूक्रेन का, उस पर हमला कर लिया। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया फखर कि आपने इनवाइट किया। बिल्कुल, इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आजकल रशिया पहुंचे हुए हैं, और अक्सर खान साहब जो भी काम करते हैं उसकी टाइमिंग्स काफ़ी गलत हो जाती हैं, और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ यानी हमारे घर में जो है, जो हम कहें कि बात की जाती है या जबान इस्तेमाल की जाती है, तो अगर मेरी मदर होती तो कहती कि बेवक्त का पैदा, कि ये मतलब टाइम नहीं था, बेवक्त के पैदा खान साहब लगते हैं कि हर काम ऐसा करते हैं जो उस वक्त नहीं करना चाहिए। अब सिचुएशन जो है वो यूक्रेन की और रशिया की काफ़ी टेंस चल रही थी, ऐसा नहीं था कि ये पहुंचे हैं और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी और अटैक शुरू कर दिया, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी टेंस सिचुएशन थी, और ना सिर्फ बाकी सारी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट वगैरह, सभी हैरान हो रहे थे कि इस वक्त ये अपनी पूरी बारात को लेके, बारात इसलिए कह रही हूँ कि हर मीडिया पर्सन को लेके ये पहुंचे हैं, हर चैनल जो इनके काबू में है ISPR के, वहाँ के सारे इनके जो है वो तोता किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं और एंकर पर्सन, वो सब इनके साथ गए हुए, और उसकी क्या ज़रूरत थी कि आप इतने ज़्यादा बड़ा मीडिया लेके जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, वहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इनको रशिया से मिलने की उम्मीद है या शुरू कर चुके हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा जो है ये मसला इन्होंने बना दिया और ये वहाँ पहुँच गए। जबकि मेरे ख्याल से इस वक्त ये टाइमिंग्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और चाइना का एक फ्लॉप शो ये कर चुके हैं। चाइना ये गए थे और चाइना में इनको जो है वो कुछ नहीं मिला, चाइना वालों ने इन्हें एक ढेला नहीं दिया, उल्टा इनको बातें सुना के वापस भेजा, जिस तरीके से इनको स्टेडियम में बिठा रखा था, जिस तरह से इनका इनको ट्रीट किया गया वो सभी के सामने है। वहां जाने के बाद अब खान साहब जो है वो रशिया पहुंचे हैं, और रशिया से उनको क्या उम्मीद है कि क्या वहाँ बहुत ज़्यादा अवभगत होगी? सबसे पहले तो जब आप अगर वीडियोस वो मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप वो देखें जिसमें से खान साहब प्लेन से उतरे हैं, तो किसी 2-3 साल के बच्चे की तरह खुश हो रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा किया है और कहाँ से जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं, और बड़े उछलते कूदते बड़े बातें करते हुए साथ वालों के साथ, साथ ही उन्होंने जो है वो शहबाज गिल साहब जो उनके स्पेशल असिस्टेंट है टू प्राइम मिनिस्टर और दिमाग से एकदम खाली आदमी है, वो उन्होंने जी ट्वीट लगानी शुरू कर दी जी, बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया गया। वैसे एक रेड कारपेट तो हमें भी नज़र आ रहा है, हो सकता है खान साहब अपना रेड कारपेट खुद ही ले गए हों कि भाई जब मैं उतरूंगा तो ये रेड कारपेट पहले से बिछा देना, वैसे इन्हें कर यही लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल जो खान साहब की जिस तरह से वेलकम किया जाता है, जो हालात हैं कि कोई वेलकम करता ही नहीं है, तो अपने रेड कारपेट वगैरह खुद ही ले जाने चाहिए। अब ये इनका विजिट कितना सक्सेसफुल होगा और कितना फ्लॉप होगा ये देखना बाकी है, लेकिन बहरहाल अमेरिका काफ़ी इनसे अपसेट लग रहा है और यहाँ पे भी लोग काफ़ी नाराज लग रहे हैं। साथ ही जाते जाते खान साहब ने एक शो शॉर्ट छोड़ दिया कि जी मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ टीवी डिबेट करना चाहता हूँ, उस पर भी मेरा ख्याल है कि थोड़ी बात आप बाद में करेंगे आगे जाकर। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, और रेड कारपेट, क्योंकि इमरान खान साहब
इसलिए दिखा रहे थे कि वो अक्सर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार उन्होंने एक छोटा ऑफिसर जो है उनको रिसीव करने के लिए भेजा, और इस वजह से फिर वो शहबाज गिल की ड्यूटी है कि दूसरों को गालियां देना और इस तरह की चीज़ें करना और फिर प्रोजेक्शन करना इमरान खान साहब की, क्योंकि उसी के उनको पैसे मिलते हैं तो यकीनन वो तो करेंगे जो भी हो। लेकिन एक बात और भी सुनने को मिली ऑन अ लाइटर नोट, ये भी उन्होंने कहा है कि वैसे तो नॉर्मली 21 तोपों की सलामी दी जाती रही है, लेकिन इमरान खान साहब पहले मतलब हेड ऑफ द स्टेट फ्रॉम पाकिस्तान मैं कहूँगा 121 तोपों की सलामी दी गई है। तो हो सकता है वैसे, बल्कि सॉरी उन्होंने कहा कि 121 तोपों की नहीं, पूरी जंग छेड़ दी उनके लिए, मतलब ऐसे ही कोई ये मिसाल नहीं मिलती इस चीज की। बाकी नॉर्मली 21 या 31 तोपें जो है वो चलाई जाती है हेड ऑफ द स्टेट के लिए, तो ये भी एक मेरे ख्याल इमरान खान साहब की एक अचीवमेंट के तौर पर वो लोग ले रहे हैं और ले सकते हैं। मोदी जी के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे, और हम जब से इमरान खान साहब ने ये कहानी हमें सुनाई है तो हम मुसलसल बात करें, और हम ये कह रहे हैं कि शायद मोदी जी हमारी ये आवाज सुन ले और कहें कि चलो देखते हैं यार, देखते हैं, मैं तो फ्री नहीं हूं, लेकिन देखते हैं। वैसे मूड भी उनका नहीं, किसी सूरत भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब बार बार नॉकिंग ऑन द डोर जो है वो बेचारे कर रहे हैं। आपने कहा अमेरिका नाराज है, अमेरिका की भी हमने बहुत सारी ताबेदारी की, आप भी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम आज उनके ताबेदार नहीं है, आपको पता है कि उनकी ताबेदारी के बगैर हम नहीं चल सकते, वो हम करते हैं। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है बेसिकली, एक तो ठीक है रशिया के साथ उनके पुराने मसाइल चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जब हिंदुस्तान को देखते हैं, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी, रशिया से S-400 सिस्टम लेते हैं, बल्कि वो वहाँ के अक्सर आप भी इंटरव्यू करती हैं मुख्तलिफ जो उनके रिटायर्ड फोर्सेस के लोग हैं, वो बताते हैं कि हमारा 70% जो वेपन है दैट इज रशिया मेड। तो ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन एक हम है कि अगर हम थोड़ा सा सऊदी अरेबिया की बजाय अगर तेहरान हमारा कोई हेड ऑफ द स्टेट चला जाए, और खासतौर पर इमरान खान साहब, तो फिर समझ नहीं आती कि वो कह रहे हैं कि मतलब क्या मैंने बोलना। तो ये चीजें तो खैर हैं, लेकिन क्या नजर है इस चीज के हवाले से जो अमरीका ने कहा, क्या उनको लगता है कि खान साहब या फिर हमने उनकी ताबेदारी कुछ कम कर दी, या वो यूक्रेन की वजह से ज्यादा नाराजगी उनको नजर आ रही कि पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ी? नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ तो हमारी ताबेदारी हमेशा से रही है और हमेशा ही रहेगी, उसको तो हम नहीं डिनाई कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त सारी दुनिया एक तरफ है और हर कोई जो है वो रशिया को इल्ज़ाम दे रहा है कि वो यूक्रेन में जो गड़बड़ मच रही है, जिस किस्म के टैक्स हो रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसे में आप का प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ पे, ना सिर्फ ये कि पूरा अपने डेलीगेशन ही तक, शायद ही कोई मिनिस्टर हो जो इनका यहाँ रह गया हो, इसलिए कि चाइना ने तो किसी को आने नहीं दिया था। चाइना तो ये सिर्फ 5-6 लोग ही लेकर गए थे, लेकिन यहाँ पे हर मीडिया पर्सन मुझे वहां नजर आ रहा है, हर चैनल लगाए तो वो बता रहे थे हमारे यहाँ से ये गए हैं वो गए। उसके बाद जितने मिनिस्टर है, चाहे आप फवाद चौधरी को कह लें, चाहे आप ये शहबाज गिल को देख लें, या आप आमिर कियानी को देख लें, मतलब जिसका नाम लें वो वहां मौजूद है। तो क्या करने के लिए गए, कोई वजह बताइए आप, कौम को बताइए कि आप वहाँ किस लिए गए हैं। अगर इंडिया रशिया से हथियार खरीदता है तो क्या आप भी हथियार खरीदने गए? क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम रशिया को दे सकें? अगर आप पैसे मांगने गए हैं तो बड़ा गलत टाइम है पैसे मांगने का, इसलिए कि इस वक्त तो उनकी अपनी ऊपर सैंक्शंस लगने की नौबत आई हुई है और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को उस वक्त कुछ दे पाएंगे। पता नहीं वापसी का भी फ्यूल लेकर गए हैं खान साहब टिकट, या वो सऊदी शहजादे की तरह एक तरफ का उन्होंने जहाज दिया था और वापस मंगा लिया था। कौन सा ऐसा तमाशा है फखर जो इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद नहीं हुआ पाकिस्तान में? ये बात नहीं है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम खान साहब को कह रहे हैं, हम बिल्कुल कह रहे हैं इसलिए कि खान साहब का क्या है, खान साहब आज हैं, खान साहब कल नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान उधर ही रहेगा। पाकिस्तान की जो बदनामी इन्होंने करवा दी है वो वहीं रहेगी, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद भी लोग ये रिकॉर्ड्स उठा के चलाएंगे, चाहे वो इंडिया के लोग हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो चाइना के हों, दुनिया के किसी कोने से भी जो चाहेगा इनके रिकॉर्ड्स निकाल के चला देगा कि क्या इन्होंने किया था, कैसे इन्होंने जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिलाए थे, किस तरह से इन्होंने जो है वो कश्मीर के ऊपर बात की थी,
किस तरह से इन्होंने इकोनॉमी को हमारा बेड़ा गर्क कर दिया खान साहब ने, और ये जो इस वक्त हरकत की है इन्होंने रशिया जाने की, ये आपको साफ साफ बताती है कि फॉरेन पॉलिसी आपकी किस कदर फेल्ड है। और ये शाह महमूद कुरैशी जो एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है, कई बार फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके होते हुए इस किस्म के ब्लंडर्स हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? खान साहब का अपना तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई आईक्यू लेवल रह गया है जिसपे वो प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर आ रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने तो 90 डेज में जो है वो अपने सारे वादे पूरे कर दिए थे, इस हिसाब से तो खान साहब के ऊपर सीधे सीधे वो केस बन जाता है जो आजकल वो मीडिया के ऊपर बनाने के चक्करों में है कि गलत स्टेटमेंट देंगे तो जी सजा होगी। तो ये सजा तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को हो जानी चाहिए कि जी वो गलत कौम को गलत खबरें दे रहे हैं कि जी मैंने तो करप्शन भी खत्म कर दी और जो वादे थे वो भी 90 डेज में पूरे कर दिए। तो ये विजिट इनका बाद में भी हो सकता था और इस विजिट को रोका भी जा सकता था वजह इसके कि हर तरफ से लोगों से नाराजगी उठा लें और उसके बाद जो है मेले मिलाएगा कुछ नहीं, उल्टा खर्चे एक एक जो मीडिया पर्सन ये वहां लेके गए अपनी मर्जी का, एक एक जो मिनिस्टर ये उठा के लेके गए, एक एक जो इनके चमचागिरी करने वाले बूट पॉलिश ये लेकर गए उनके ऊपर हजारों डॉलर का खर्चा है। और वो हजारों डॉलर कहाँ से जा रहे हैं? जाहिर है वो टैक्स पेयर के पॉकेट से जा रहे हैं, वो कोई इमरान खान के बनी गाला से नहीं जा रहे, उसको कोई बाजवा नहीं दे रहा, उसको कोई आसिम सलीम बाजवा के पास से नहीं लिया जा रहा, उसको शाह महमूद कुरैशी या कोई और मिनिस्टर पे नहीं कर रहा, उसको आम पब्लिक पे कर रही है जिसको इन्होंने आंसू निकाल दिए हैं, जो ये कहते थे मैं रुला दूंगा आम पब्लिक को, इन्होंने रुला दिया आम पब्लिक को, इन्होंने मार दिया, जो रही सही कसर थी वही अपना वो जो एक टेढ़ा मेढ़ा बिल लेकर आए कि कोई कुछ बोल नहीं सकते थे, क्या मतलब है? आप क्या लोगों की सोच को रोक पाएंगे? क्या आप इस बात को रोक पाएंगे कि लोग सड़क पे चलते लोग आपको बुरा भला ना कहें? ये आप सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक चले, सोशल मीडिया पे कोई नहीं लिखेगा, आपस में तो लोग मिलेंगे, बात तो करेंगे, दुनिया को कहां तक रोकेंगे? लेकिन अपने करतूत सीधे ना करना, अपने आप को सही ना करना, ये हमारे हुक्मरानों की हमेशा से